नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सीए राजेंद्र अरोड़ा है। और दोस्तों आज हम इकट्ठा हुए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार जीएसटी में एक डेवलपमेंट के बारे में बात करने के लिए। सर्कुलर नंबर 138 जो कि कल 6 मई 2020 को इशू किया गया। दोस्तों पिछले एक महीने में हमने देखा काफ़ी सारी नोटिफिकेशंस और सर्कुलर्स आए, काफ़ी रिलीफ मेजर्स लिए गए, काफ़ी क्लैरिफिकेशंस दी गई, एक जनरल रिलीफ भी दी गई जिसमें उन्होंने ये कहा कि आपका जो भी 20 मार्च 2020 से 29 जून 2020 के बीच में जो भी पीरियड फॉल होता है, चाहे वो नोटिस का है सर, कोई रिप्लाई का है, कोई एप्लीकेशन का है, रिफंड एप्लीकेशन का है, कोई फाइलिंग का है, वो ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाता है 30 जून तक। उसके रिलेशन में दो क्लेरिफिकेशंस हैं इस सर्कुलर नंबर 138 में, और तीन क्लेरिफिकेशंस जो हैं वो बेसिकली इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के ऊपर एक नोटिफिकेशन आई थी 11/2020 21 मार्च 2020 को, उससे रिलेटेड तीन क्लेरिफिकेशंस डिपार्टमेंट ने इस सर्कुलर में दिए हैं। टोटल 5 क्लेरिफिकेशन इस सर्कुलर में डिपार्टमेंट ने दिए। प्लेरी क्लेरिफिकेशन जो है वो बेसिकली एक रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट 11/2020 21 मार्च 2020 की नोटिफिकेशन सेंट्रल टैक्स के माध्यम से डिपार्टमेंट ने कहा कि कॉर्पोरेट डेटर जिसका CIRP शुरू हो जाता है वो डिस्टिंक्ट पर्सन बन जाता है फ्रॉम द कॉर्पोरेट डेटर। तो जो डिस्टिंक्ट पर्सन बनता है फ्रॉम द कॉर्पोरेट डेटर उसको नए रजिस्ट्रेशन कराना है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराना है। तो IRPs और RPs ने रिप्रेजेंट किया 11/2020 नोटिफिकेशन CT में सेंट्रल टैक्स में कि भाई अभी हमारे लिए रजिस्ट्रेशन कराना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि लॉकडाउन पीरियड चल रहा है। तो उसको रिलैक्स करने के लिए डिपार्टमेंट ने 39/2020 की नोटिफिकेशन जो कि 5 मई को निकाली उसमें उन्होंने कह दिया कि, और उसको ये आज इस सर्कुलर नंबर 138 में क्लैरिफाई किया, और उन्होंने कहा कि आप IRP और RP अपॉइंट होने के 30 दिन या 30 जून 2020 विच एवर इज लेटर आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मतलब लेटेस्ट बाय 30 जून 2020 तक हर डिस्टिंक्ट पर्सन जो कॉर्पोरेट डेटर है आफ्टर दी CIRP उसको रजिस्ट्रेशन कराना है। दूसरी क्लैरिफिकेशन उन्होंने बताई, एक डाउट आ रहा था लोगों के दिमाग में जो कॉर्पोरेट डेटर्स हैं कि भाई जिन कॉर्पोरेट डेटर्स ने IRP या RPO अपॉइंट होने से पहले अपने GST के सारे कंप्लायंसेस पूरे किए हुए हैं, पूरे करके रखे हुए हैं, मतलब सेक्शन 37 और 39 GSTR 1 और 3B रिस्पेक्टिवली अप टू द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ IRP और RPO अपॉइंट करने पर फाइल किए हुए हैं, तो ये डाउट था कि क्या उनके लिए भी ये नोटिफिकेशन लगेगी। तो डिपार्टमेंट ने 39/2020 में जो कि 5 मई को निकाला उसमें क्लेरिफाई कर दिया, और उसी का साइटेशन इस सर्कुलर नंबर 138 में 6 मई को दिया। और उन्होंने कहा कि भी देखिए जिन जिन कॉर्पोरेट डेटर्स ने IRP अपॉइंट होने से पहले तक की सारी 37 और 39 GSTR 1 और GSTR 3B रिस्पेक्टिवली फाइल कर दी है उनके लिए 11/2020 CT नहीं है। तीसरी क्लेरिफिकेशन उन्होंने कहा कि भाई अगर ये भी डाउट आ रहा था कि अगर RP और RP IRP जो है वो जब कमेटी ऑफ क्रिएटर्स COC कहते हैं, कमेटी ऑफ क्रिएटर्स जब अपॉइंट होते हैं तो IRP को रेटिफाई करके रेगुलराइज करके RP बनाते हैं, तो कई बार स्थिति ऐसी होती है जो IRP होता है वो RP नहीं होता, फ्रेश RP जो है कमेटी ऑफ क्रिएटर्स डिटरमाइन करती है, डिसाइड करती है। तो उस केस में क्या फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा क्योंकि नया IRP या IRP अपॉइंट है? उन्होंने कहा नहीं, रजिस्ट्रेशन जो है वो कॉर्पोरेट डेटर का है, डिस्टिंक्ट पर्सन का है। IRP या RP नए बनने से डिस्टिंक्ट पर्सन नया अराइज नहीं होता, तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपना सिर्फ ऑथराइज सिग्नेटरी जो है अपने पोर्टल पे जाइए GSTIN में, अपना GST पोर्टल पे उसको चेंज कर दीजिए। चौथी क्लैरिफिकेशन जो थी वो एक नोटिफिकेशन 23 अक्टूबर 2017 CTR की है, उसमें उन्होंने एक परमिशन दी गई थी लॉ के आने के इमीडिएटली बाद अक्टूबर 2017 में कि अगर एक सप्लायर मर्चेंट एक्सपोर्टर को कोई भी सप्लाई करता है, वो मर्चेंट एक्सपोर्टर जो उन गुड्स को एज इट इज विदाउट एनी फर्दर प्रोसेसिंग एक्सेप्ट पैकिंग और सम अदर थिंग जिससे उसका नेचर और क्लासिफिकेशन नहीं बदलता, वो उसको फर्दर एक्सपोर्ट कर देता है, तो जो सप्लायर उस मर्चेंट एक्सपोर्टर को सप्लाई करेगा वो 0.1% GST के रेट पर कर सकता है। एक कंडीशन उस 40/2017 में लगाई गई कि जो सप्लायर है जिस दिन उसने इनवॉइस किया उस मर्चेंट एक्सपोर्टर को, उस इनवॉइस की डेट के अंदर अंदर 90 दिन में उस मर्चेंट एक्सपोर्टर को गुड्स को फर्दर एक्सपोर्ट फाइनली आउटसाइड इंडिया करना है। अब क्वेश्चन ये आया है कि अगर ये डेट जो है 90 दिन कंप्लीट हो रहे हैं 20 मार्च और 29 जून के बीच में,
तो क्या होगा? तो उन्होंने बताया कि भाई बिल्कुल कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अगर 20 मार्च और 29 जून के बीच में ये 90 दिन कंप्लीट हो रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली 30 जून को ऑटोमेटिकली एक्सटेंड माने जाएंगे। तो 30 जून तक आपको उस मर्चेंट एक्सपोर्टर को गुड्स को आउटसाइड इंडिया एक्सपोर्ट करना है, और जो कंसेशनल रेट ऑफ सप्लाई है वो उस सप्लायर को 40/2017 के अंतर्गत मिलता रहेगा। पांचवी बात जो है वो ITC 04 के लिए है। ITC 04 जो कि हम इनपुट टैक्स जो जॉब वर्क के लिए गुड्स जॉब वर्कर को प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर भेजता और रिसीव करता है, उससे रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं वो ITC 04 में जाती हैं। वो मार्च क्वार्टर की ITC 04 की डेट है, लास्ट डेट 25 अप्रैल। तो डिपार्टमेंट ने इस बात को भी क्लैरिफाई कर दिया कि उसकी भी डेट ऑटोमेटिकली 30 जून तक एक्सटेंडेड मान ली जाएगी। ये पांच क्लैरिफिकेशन जो है डिपार्टमेंट ने सर्कुलर नंबर 138 इशूड ऑन 6 मई 2020 निकाले। मैं आशा करता हूं कि ये पांचों आपके लिए यूजफुल रहेंगे, आपके लिए एक गाइडिंग फोर्स रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए दोस्तों तो आप इसको शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप जितने से ज्यादा लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे, मुझे उसमें मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा कंसिस्टेंटली रेगुलरली काम GST के ऊपर करता रहूं और अपनी जो भी छोटी सी समझ है सब्जेक्ट के ऊपर वो आपके साथ बांटता रहूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।